आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आप सभी का अपना चैनल KS मोटिवेशनल क्वीन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। विषय पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन यानी ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे लाइव आने की इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो अपलोड करने की इन्फॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन में आ पाए। अब हम चलते हैं बिना देरी के हुए अपने आज के विषय की ओर। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत में हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप सबको हमारा वीडियो यानी हमारी कंटेंट पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अच्छा लगे तो साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने विषय की तरफ। चाहते तो सभी हैं कि उनके लाइफ में सिर्फ सीता स्वरूप कोई लड़की आए जो उनका हाथ थामे, उनके साथ पूरी लाइफ बिताए, शादी करे, घर परिवार बसाए। लेकिन ये समझना अति आवश्यक है कि अगर हम सिर्फ सीता स्वरूप लड़की का सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो क्या आप सब खुद एक श्री राम स्वरूप हैं या नहीं? जो भी हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं, मैं उन सब से ये सादर निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले वो खुद एक श्री राम जैसा बने, सच्चे चरित्र वाला, ईमानदार, नेक इंसान, फिर उन्हीं को श्री सीता को ही मिलेगी। यहाँ पर एक बात जानना अति आवश्यक है कि यदि आप चाहते हैं कि आपको श्री सीता माता स्वरूप कन्या मिले, लड़की मिले, तो फिर आपको स्वयं को भी श्री राम स्वरूप बनाना होगा। जी हाँ, क्योंकि श्री राम जी को ही सीता माता मिली थी, तभी उनके साथ शादी हुई थी। तो अगर सीता माता अच्छी सच्ची चरित्र वाली थी तो उन्हीं को सच्चे चरित्र वाले श्री राम जी मिले थे। तो पहले स्वयं को श्री राम जैसा बनाइए, फिर श्री सीता माता जैसा अपेक्षा कीजिए कि आपके लाइफ में कोई आएगी। जो भी हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले वो सब खुद श्री राम बने, फिर उनको श्री सीता जैसी कोई मिलेगी। तो पहले खुद में श्री राम जी जैसा आचार, विचार, व्यवहार, आचरण लाएं, तभी आप सबको कोई श्री सीता जैसी कोई मिल पाएंगी, सच्ची चरित्रों वाली। तो इसी पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आज आप सबके लिए एक यही बात बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी छोटी बहन KS का साथ ऐसे ही देते रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर सारी वीडियोस फुल वॉच किया कीजिए। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट इस लाइफ में फैलाते रहिए चारों ओर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी शेयर वी ग्रो। प्रणाम।